भारत में बैठे हुए इंटरनेशनल फंड में निवेश करना आसान हो गया है, और इंटरनेशनल फंड में आपको इसलिए निवेश करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल फंड आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन लेकर आते हैं, आपको कंट्री रिस्क से बचाते हैं। तो ये सारे शब्द अगर आपको लग रहे हैं बड़े भारी हैं, इनका क्या मतलब है और इनका क्यों आपको ध्यान रखना है, आज हम ये समझने वाले हैं। तो समझ जाइए कि इंटरनेशनल फंड्स बहुत सारे आ रहे हैं बाजार में, एक्टिव के साथ साथ पैसिव फंड्स यानी कि ऐसे फंड्स जो कि विदेशी बाजारों को इंडेक्स को ट्रैक करते हैं वो भी आ रहे हैं। और ऐसा ही एक फंड मिराय भी लेकर आई है, इसका नाम है S&P 500 टॉप 50, जिसका NFO अभी खुला हुआ है। और मेरे साथ हैं आज मिराय एसेट्स के हेड ETF सिद्धार्थ श्रीवास्तव, तो उनसे हम समझेंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल टच कैसे देना है, क्यों देना चाहिए, और इनके नए ये ETF के पर भी हमसे बात होगी। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इंटरनेशनल फंड्स में किसी को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, कंट्री रिस्क, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, ये सब क्यों हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए, इसी का जवाब सबसे पहले दीजिए। सो थैंक यू प्रियंका फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर, और जो आपने सवाल पूछा उसके उसके कई सारे कारण है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर हम देखें बाहरी बाज़ार में, स्पेशली US मार्केट को, तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर लास्ट 10 साल में देखें तो US मार्केट ने 7 साल भारतीय मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हुए हैं। सो इंडियन मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं, इंडियन GDP भी बढ़ रही है, लेकिन बाहर भी वेल्थ क्रिएट करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम लोग S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स लेकर के आ रहे हैं, जिसके ऊपर ETF और फंड ऑफ फंड लॉन्च करेंगे, उसने लास्ट 10 साल में INR टर्म्स से में निफ्टी 50 से 10% ज़्यादा रिटर्न्स दिए हुए हैं ऑन अ CAGR बेसिस। तो पहला रीज़न है वेल्थ क्रिएशन। दूसरा रीज़न है कि अगर आप हिंदुस्तानी बाजार को देखें तो काफ़ी सारी कंपनियाँ, काफ़ी सारे सेक्टर ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, ट्रेडिशनल कंपनियाँ। आज भी हम लोग बैंक्स की बात कर रहे हैं, मेटल्स, केमिकल्स, कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ हो रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्पेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, EVs की बहुत सारी बातें हो रही है। ये सब अपॉर्चुनिटी सेट इस सारे सेक्टर की कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर लोगों को ऐसी कंपनियों में निवेश करना है तो उनको बाहरी मार्केट में देखना पड़ेगा। US मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्मार्ट वेरेबल्स में जो कंपनियाँ आई हैं उनमें इन्वेस्ट करने की, EVs, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब सेक्टर्स एंड कंपनीज में निवेश करने के। एंड लोग चाहते हैं कि ये सारी सेक्टर्स काफ़ी उभर रहे हैं और इनमें वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, राइट? आजकल हम लोग एप्पल, सैमसंग के फ़ोन यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हैं, हम लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें कितना उभर रही हैं। तीसरा और चौथा जो रीज़न है वो ये है कि एक तो जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि डाइवर्सिफिकेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है इक्विटी मार्केट्स में टिपिकली, बट अगर आप US और इंडिया को कंपेयर करें तो काफ़ी लो पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। एंड आखिरी में, जब आप किसी दूसरी कंट्री में निवेश करते हैं, उस कंट्री की करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि USD या यूरो, और जब आपका इंडियन रुपी लॉन्ग टर्म में उसके अगेंस्ट डिप्रिशिएट करता है तो वो डिप्रिसिएशन का भी बेनिफिट आपको रिटर्न्स मिलता है। फॉर एग्जांपल, पिछले 10-12 साल में INR USD के मुकाबले 3.4% रफली डिप्रिशिएट किया है सालाना, एंड ये एडिशनल रिटर्न्स भी आपको आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में ऐड होकर के मिलता है। तो ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है, इसके से काफ़ी लोकप्रिय हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टिंग इस समय। राइट, तो थैंक यू सिद्धार्थ, बहुत ही आपने क्लियरली पॉइंटेड तरीके से बता दिया कि किस तरह से आप अगर इसे शामिल करें अपने पोर्टफोलियो में तो आपको एक एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं आपके इस ETF और फंड ऑफ फंड की, S&P 500 टॉप 50। तो इसमें क्योंकि टॉप 50 का जो शब्द है ना, ये मुझे अलग लिख रहा है अभी मौजूदा जितने भी इंटरनेशनल पैसिव फंड है, कोई भी टॉप 50 वाले इंडेक्स के लिए अभी तक कोई पैसिव फंड नहीं है। तो इसके पीछे क्या सोच रही है, ये कैसे काम करेगा, वेटेज कैसे देगा, ये टॉप 50 कंपनियों को शामिल करेगा, उसमें कौन से वो नाम है जिसमें अगर मैं S&P 500 टॉप 50 में निवेश करती हूँ तो मुझे वहां पर मेरा निवेश जाएगा, जरा समझाइए।
सबसे पहले तो मैं फंड की बात करूंगा. जैसा आपने बोला टॉप 50, ये फंड S&P 500 टॉप 50 ETF एंड फंड ऑफ फंड US की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा अक्रॉस सेक्टर्स. अगर मैं US की बात करूँ, अनलाइक इंडिया जहाँ पे टॉप 100 कंपनियों को हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं, US में टॉप 500 कंपनियाँ लार्ज कैप कहलाती हैं. एंड उन 500 से में से भी अगर मैं 50 चुन रहा हूँ तो वो मेगा कैप एक तरीके से बोला जा सकता है. तो ये 50 मेगा कैप कंपनीज जो कि सेक्टर लीडिंग कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करेगा. एंड ये जो कंपनीज हैं दीज आर स्टार्टिंग, मतलब दे आर फ्रॉम IT, दे आर फ्रॉम हेल्थ केयर, दे आर फ्रॉम एनर्जी सेगमेंट, दे आर फ्रॉम कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स. नाम लोगों को ज़्यादा पता है, ज़्यादा रिलेटेबल पोर्टफोलियो. फॉर एग्जाम्पल टॉप होल्डिंग इसमें एप्पल है. अगर मैं टॉप 5 टॉप 6 होल्डिंग की बात करूँ उसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल ये सारी कंपनियाँ आती हैं. इवन जो आपके छोटे जिसमें कम वेटेज है वो सब भी आपके सिटी ग्रुप, डिज्नी, कॉमकास्ट, वॉलमार्ट, शेवरॉन, एनवीडिया, टेस्ला, सारी काफ़ी रिलेटेबल कंपनियाज हैं. लोग ज़्यादातर कंपनियों के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, और जब यूज़ नहीं कर रहे तो वो जानते हैं कि ये कंपनियाँ कितना अच्छा कर रही हैं और किन किन सेगमेंट्स में प्रेजेंट है. तो काफ़ी रिलेटेबल प्रोडक्ट है. दूसरा रीज़न इस प्रोडक्ट को लाने का है, अगर हम US मार्केट की बात करें तो US मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो मेजर तरीके हैं. एक, आप किसी टेक सेंट्रिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए या फिर किसी सेक्टर सेंट्रिक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करिए. वहाँ पे आप फैंग प्लस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप नैसडैक 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं. इस ये सारे प्रोडक्ट्स से रिटर्न्स काफ़ी अच्छा जनरेट किया है, बट ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा रिस्क के साथ आते हैं बिकॉज इनका बायसनेस होता है टुवर्ड्स टेक कंपनी की तरफ, एंड इट इज़ अ बिट मोर रिस्की एंड वॉलिटिलिटी भी ज़्यादा होती है. दूसरा तरीका है कि आप एक सेक्टर एग्नोस्टिक फंड में इन्वेस्ट करें जो कि सेक्टर बायस नहीं है. जैसे कि ये टॉप 50 जो प्रोडक्ट है वो टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा भले ही वो किसी भी सेक्टर की है. इससे क्या होता है कि इस फंड ने भले ही थोड़ा कम रिटर्न दिया हो फैंग के मुकाबले या फिर नैसडैक के मुकाबले, लेकिन इसने स्टिल निफ्टी 50 से काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया. जैसे मैं आपको बोला पिछले 10 साल में 10% से ज़्यादा से आउट परफॉर्म किया हुआ है, और साथ में ये लोग कम रिस्क के साथ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल पिछले 15 साल में इस फंड इस इंडेक्स की वॉलिटिलिटी और रिस्क हर साल नैसडैक और फैंग से कंसिस्टेंटली कम रही है. जो लोग का रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग में, उनके लिए शायद सेक्टर एग्नोस्टिक फंड जैसे कि S&P 500 टॉप 50 है वो बेहतर तरीका है निवेश स्टार्ट करने का, क्योंकि ये फ्रॉम अ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े कम रिस्की होते हैं. ठीक है, तो एक थीम को आप नहीं कमिट करके ओवरऑल जो है आप एक सेक्टर न्यूट्रल टाइप के निवेश कर रहे होंगे अगर आप चुनते हैं इस तरह का कोई फंड. आपका एक जो है वो बहुत ही थीम वाला एक ऑलरेडी फंड है, इंटरनेशनल फंड. सो वो इससे अलग इसी मायने में होगा क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में फैंग जो आपका फंड है उससे ये काफी अलग रहने वाला है, राइट? हाँ जी. सो फैंग एक अगेन काफी सिंपल फंड है. वो सिर्फ अभी 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, 10 बिग टेक्नोलॉजी इनोवेटिव कंपनियां, एंड सारी कंपनियों में वो इक्वल वेटेड इन्वेस्ट करता है. तो उसमें एनवीडिया है, टेस्ला है, ट्विटर है, एप्पल, गूगल, अमेजोन एक्सेट्रा, एंड सब में वो 10% इक्वली इन्वेस्ट करता है. एंड वो सब में से आपको रिटर्न कॉन्ट्रीब्यूशन तकरीबन उतना ही मिलता है. ये फंड आपका 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, इंक्लूडिंग IT, इंक्लूडिंग बिग टेक्स, बट बाकी सेक्टर में भी इन्वेस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा. और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके मार्केट कैप के बेसिस पे होता है. तो जिस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा होता है उसमें ज़्यादा निवेश होता है, जिसका मार्केट कैप कम होता है उसमें कम निवेश होता है. आप इसको अगर बहुत ही सिंपल कंपैरिजन करना है तो आप इसको निफ्टी 50 ऑफ US बोल सकते हैं. जैसे कि निफ्टी 50 अक्रॉस सेक्टर्स इन्वेस्ट करता है मार्केट कैप के बेसिस पे, वैसे ही ये फंड भी US की मेगा कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे. सिद्धार्थ ये समझाइए, एक दिस और दैट, एक जो ये द्वंद है एक्टिव वर्सेस पैसिव का हमेशा बना हुआ है. आप क्योंकि ETFs को हेड करते हैं तो जब बात आती है एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग, अब हम देख रहे हैं इंटरनेशनल में भी केवल आप ही नहीं और भी फंड हाउसेस जो है वो पैसिव फंड्स लेकर आ रहे हैं. तो क्या यही है नया फ्लेवर, क्या पैसिव ही जाना चाहिए, पैसिव रूट ही अपनाना चाहिए अगर आप इंटरनेशनल फंड्स की तरफ ही देख रहे हैं तो? सो एक्टिव और पैसिव ऑब्वियसली अभी लोग ज़्यादा समझने लग गए हैं, दोनों अलग तरीके से काम करते हैं. पैसिव का काम होता है कि वो एक इंडेक्स को ट्रैक करे, उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो कि इंडेक्स का हिस्सा होती है.
और ऐसा करने की वजह से वो वही रिटर्न देता है जो कि आपका इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, उसी के आसपास रिटर्न देता है। एक्टिव का काम होता है कि वो अंडरलाइंग इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे। इसके लिए एक्टिव में आपको फंड मैनेजर चाहिए होता है जो कि वो कॉल्स ले सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, फॉरेन मार्केट्स में जियोग्राफिक स्पेसिफिक में भी, एंड देन वो आउट परफॉर्म करे। इसके लिए आपकी एक्टिव फंड की कॉस्ट भी ज्यादा होती है अगर आप TER की बात करें। जैसा भी हम इंडिया में देख रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, जहां पे काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है फंड मैनेजर्स के लिए आउट परफॉर्म करना अंडरलाइंग इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 या निफ्टी 100 को, हमें ये जानना जरूरी है कि ये चीज हम लोग US मार्केट में काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। US मार्केट में ETF 1990s में ही स्टार्ट हो गया था, एंड पिछले 15 साल में मैं देखूं या 20 साल में देखूं, काफी स्ट्रगल हो रहा है एक्टिव फंड्स को इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने के लिए। सो अगर मैं, आई थिंक स्पीवा की रिपोर्ट आई थी जो कि बोलती है पिछले 12-13 साल में लगातार एक्टिव फंड्स ने ऑन एन एग्रीगेट बेसिस अंडर परफॉर्म किया है बेंचमार्क को, एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी नोटिस करने वाली है बिकॉज वहाँ के मार्केट्स काफ़ी एफिशिएंट बन चुके हैं। सो आपको जो पैसिव फंड होता है वो आपको एक लो कॉस्ट तरीका देता है US जैसे मार्केट्स में निवेश करने का, प्लस आपको काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीका देता है। जैसे आपको पता है फैंग एक बिग टेक बेस्ड एक्सपोजर ले रहा है, आपको पता है S&P 500 टॉप 50 एक डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर ले रहा है, पोर्टफोलियो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, मेथड काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, लो कॉस्ट होता है जैसे मैंने आपको बोला, एंड वो आपको एक मार्केट रिटर्न देता है, अंडरलाइंग इंडेक्स का रिटर्न देता है, और उसमें फंड मैनेजर रिस्क नहीं होता है। सो इन सब कारणों की वजह से पैसिव फंड थोड़ा सा ज़्यादा और लोकप्रिय तरीका है फॉरेन मार्केट्स में निवेश करने का। राइट आप वैसे ये समझाइए मुझको कि US को लेकर के इतना ज्यादा फंड्स भी आ रहे हैं, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, या US जो है वही एक सबसे ज्यादा हैपनिंग है? क्योंकि हम देखते हैं अगर हैंगसेंग की बात करें तो एक इंडेक्स फंड है जो हैंगसेंग का है, और एक शायद मुझे लगता है एक ही है जो हैंगसेंग हांगकांग इंडेक्स को फॉलो करता है। सो यू नो US को लेके ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, US की कंपनियों पर ज्यादा विश्वास है क्या, मतलब कंपेयर टू अदर मार्केट्स? क्योंकि ब्राजील, चाइना, इनके भी कुछ इक्का दुक्का फंड्स नजर आएंगे, पर मेजॉरिटी US फंड्स की है। सो उसके भी कई रीजन है। पहली बात तो मैं बता चाहता हूँ कि आप किसी भी फॉरेन ज्योग्राफी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर एडिशनल रिस्क फैक्टर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। अगर आप US में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर यूरोप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने इन्वेस्ट किया वहाँ का जियोपॉलिटिकल रिस्क, वहाँ का रेगुलेटरी रिस्क, वहाँ का करेंसी रिस्क, ये सारे एडिशनल रिस्क आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो वो इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है कि वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप एडिशनल रिस्क पे भी एक्सपोज हो रहे हैं। US मार्केट एक्चुअली काफ़ी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, अराउंड 60% of global equity market is US market itself. US markets में आपकी opportunity set बहुत ज़्यादा है। अगर मैं especially tech की बात करूँ तो आप देखेंगे almost काफ़ी सारा innovation US market में हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग की आप बात कर लीजिए, आप सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, आप EVs में बात कर लीजिए, टेस्ला इतना उसमें एक लीडिंग प्लेयर बना हुआ है, तो आप देखेंगे तो US market में innovation भी काफ़ी हो रहा है। सो लोगों का US मार्केट में निवेश करने के मल्टीपल रीजंस है। एक तो आप एक US एज अ इकॉनमी, एज अ मार्केट ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका भी आपको एक्सपोजर लेना चाहते हैं, एंड साथ में या फिर आप उन इन सेक्टर्स और इन कंपनीज का एक्सपोजर लेना चाहते हैं। अगर मैं आज देखूं कि मैं कौन कौन सी कंपनियों का ग्राहक हूँ या कौन कौन सी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आपको अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में US की ही कंपनियाँ दिखाई देंगी, एंड US की कंपनियों के ही ज़्यादा नाम सुनाई देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट से हम लोग मैं इसमें जिस माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, क्रोम यूज़ कर रहा हूँ वो एक US कंपनी का ओन्ड है, जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो एक US कंपनी का है। सो एक ज़्यादा रिलेटेबिलिटी है, ज़्यादा पता है लोगों को US मार्केट के बारे में, लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी जो लेना चाहते हैं वो US मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, एंड ज़्यादा डिमांड भी है US मार्केट में इन्वेस्ट करने की। लेकिन एट द सेम टाइम सिद्धार्थ, US मार्केट भी अभी हीटेड है, तो अभी क्या वहां पर आप कहते हैं कि अभी कोई अगर निवेश करना चाहता है तो वहां का रुख करना चाहिए या अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? जिस तरह से भारतीय बाजार का रुख है वैसा ही US मार्केट में भी नजर आ रहा है। जी नहीं, डेफिनेटली, मतलब जैसे US इंडियन मार्केट काफी प्रीमियम पे चल रहा है, US मार्केट भी काफी प्रीमियम पे चल रहा है, लेकिन जब आप फॉरेन मार्केट्स की बात करते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बोली जाती है कि
टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट. जब आप फॉरेन बाजार की बात करते हैं, फॉरेन इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म होराइजन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट 5 साल के नज़रिए से किसी मार्केट में निवेश कर रहे हैं. और अगर आप उस नज़रिए के साथ निवेश कर रहे हैं तो इस समय US मार्केट में अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्सपोजर इन न्यू सेक्टर्स, न्यू कंपनीज विच हैव ऑलरेडी ग्रोन या फिर जो ग्रो कर रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है. US मार्केट में अगर बोलूँ, इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आई हैं, GDP ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है, कंज्यूमर डिमांड वापस आ गई है, और ये सब इस समय काफ़ी इसकी वजह से काफ़ी बाजार आगे भी बढ़ा हुआ है. लेकिन इस समय जो आदमी निवेश करना चाह रहा है, जो निवेशक एंटर करना चाहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग में, वो शॉर्ट टर्म ना देखें कि अगले 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है. परहैप्स अगर सिर्फ इतना छोटा अंतराल देखेंगे तो वो लोग शायद निराश होंगे. लेकिन आप अगर फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम अ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फ्रॉम एन एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एटलीस्ट 5-7 साल का तो रुख रखना चाहिए. उस नजरिए से US मार्केट अभी भी अट्रैक्टिव है. ठीक है, अब अगर कोई इंटरनेशनल फंड में निवेश करना चाहता है, आप उसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कहते हैं कि आपको इन चेक बॉक्सेस में टिक लगाना चाहिए, ये देखना चाहिए? सबसे पहले तो निवेशक को अपनी रिस्क प्रोफाइल देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे आप फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एडिशनल रिस्क फैक्टर्स अप्लाई होते हैं. इन मार्केट्स की वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है एंड ये इंडियन मार्केट्स के मुकाबले काफ़ी डिफरेंटली भी बिहेव कर सकते हैं. सो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट जानना बहुत ज़रूरी है. अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल हाई है तभी आप फॉरेन मार्केट्स में निवेश करना सोचिए एंड शुरू करिए. दूसरा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने आपको बताया कि कई प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप के एक्सपोजर देते हैं. आपको टेक प्रोडक्ट शायद ज़्यादा रिटर्न दे बट वो ज़्यादा रिस्क के साथ आता है. आपको एक सेक्टर एग्नोस्टिक प्रोडक्ट शायद थोड़ा कम रिटर्न दे बट वो थोड़ी डाइवर्सिफाइड लोअर रिस्क के साथ आता है कंपैरेटिवली. सो आपको एक प्रोडक्ट भी समझना चाहिए कि वो किस टाइप का रिस्क दे रहा है, उसके रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोडक्ट की भी क्या है, एंड अगर वो आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ अलाइन हो रहा है देन ही आप उसमें इन्वेस्ट करिए. दूसरी चीज़ है, इसमें कॉस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे कि हमने पहले बात की, पैसिव फंड्स भी हैं, एक्टिव फंड्स भी हैं. कई सारे एक्टिव फंड्स हैं जो कि दूसरे फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं, ना कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय. तो फिर इन केसेस में आपको ओवरऑल कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए कि ओवरऑल सब कुछ मिला करके एक फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, एंड एम आई इन्वेस्टिंग इन अ फंड जिसका रिटर्न मेरे कॉस्ट को जस्टिफाई कर रहा है. राइट, और कितना होना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड का हिस्सा? अगेन डिपेंड्स ऑन रिस्क प्रोफाइल, बट टिपिकली 5-20% इफ समवन इज स्टार्टिंग. अगर कोई स्टार्ट कर रहा है अभी इन्वेस्ट करना ग्लोबल मार्केट्स में, ही कैन स्टार्ट विद 5%, टेक अ मोर डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर, और इवन कैन टेक इन अ टेक पोर्टफोलियो अगर उसकी रिस्क प्रोफाइल सही है. 20% जो है वो अपर लिमिट आप कह रहे हैं. और आपका जो ये NFO अभी है, ये ETF और फंड ऑफ फंड दोनों है, दोनों को साथ में लाने के पीछे क्या वजह रही? क्या आप चाहते थे कि ऐसे लोग जो डीमैट के जरिए नहीं निवेश करना चाहते हैं उन्हें फंड ऑफ फंड का रूट मिल सकता है? एब्सोल्युटली. ETF बेसिकली उनके लिए होता है जिनके पास डीमैट अकाउंट है, जिनके पास ब्रोकिंग अकाउंट है, एंड वो लोग एक्सचेंज से बाय सेल करने में के लिए काफ़ी ज़्यादा आराम से कर सकते हैं. वो लोग फंड ऑफ फंड उनके लिए है जो लोग के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या फिर वो लोग प्रेफर करते हैं कि डायरेक्टली AMC के साथ ट्रांजेक्शन करे, या फिर SIP, STP और दूसरी जो फैसिलिटीज जो AMCs ऑफर करती है वो यूज़ करें. सो डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस, यू कैन चूज ईदर ETF और दी फंड ऑफ. तो चलिए सिद्धार्थ, बेस्ट ऑफ लक. क्या उम्मीद लग रही है, क्या इनिशियल आपको अभी किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है इस ETF पर आपके? इस नोट के साथ हम रैप अप करेंगे. अभी तक रिएक्शंस तो काफी अच्छे मिल रहे हैं. जैसे हमने बोला कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग काफी चर्चा में है, सो वी आर गेटिंग गुड ट्रैक्शन इन दिस प्रोडक्ट. फैंग में भी हम लोगों ने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा था, एंड सिमिलर टाइप का ट्रैक्शन हम लोग इस प्रोडक्ट में. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ हमसे बात करने के लिए. तो यहाँ पर मेरे साथ थे सिद्धार्थ श्रीवास्तव, मिराय का जो एक नया S&P 500 टॉप 50 ETF है उस पर तो हम बात कर ही रहे थे. लेकिन साथ ही में इस बातचीत को आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टिंग को बहुत ही आसान तरीके से सिद्धार्थ ने हमारे लिए ब्रेक डाउन किया है. और इस तरह के इंटरव्यूज अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो Money9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हम इस तरह के वीडियोस लेकर आए आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. अभी के लिए धन्यवाद.